Hello everyone, welcome to our YouTube channel CC Academy. Today we will discuss about test series 3rd of mathematics. Second part hum discuss kar chuke hain, jiska link aapko description mein mil jayega. So let's start with our first question. Our first question is, the area of quadrilateral shown in the figure is, area kya hoga quadrilateral ka jo figure mein aapko show ho rahi hai. To hum sabse pehle to iski naming kar lete hain. हाँ जी, अगर मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट बोल दूं, ए बी सी डी, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गई ए बी सी डी. और ये जो पॉइंट है बीच में, इनको मैं इस पॉइंट को बोल दूं ई पॉइंट एंड इस पॉइंट को मैं बोल दूं एफ पॉइंट. ओके, तो सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पे जो गिवन है वो क्या क्या दिया गया है. आपके पास दिया गया है बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एफ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, ये गिवन है. तो अब आपको पता है जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रहता है वो किसके इक्वल रहेगा. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं आपके पास, एक है आपके पास ए बी डी और दूसरी है आपके पास बी सी डी. तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी. ओके, तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे किसका, ए बी डी ट्रायंगल का, और ट्रायंगल दूसरी है आपके पास बी सी डी. तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल रहता है. हाँ जी, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अब एरिया ऑफ पहले हम निकालेंगे किसके लिए, एरिया ऑफ ए बी डी. तो एरिया ऑफ ए बी डी क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू, हाँ जी, बेस है आपके पास यहाँ पे बी डी और हाइट दी गई है यहाँ पे ए ई. ओके, प्लस सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ बी सी डी. तो हाफ इंटू बेस है आपके पास बी डी मल्टीप्लाई बाई एफ सी. ओके, वैल्यू आप पुट करेंगे, गिवन हमारे पास दी गई है वैल्यू. तो हाफ इंटू 6 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 5, इसको कट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे भी 3, तो आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 15. ओके, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो आपके पास जो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 16 एंड अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम अपॉन एन इज. ओके, तो आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन दी गई हैं. हाँ जी, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन वन बोल देंगे. एंड सेकंड इक्वेशन दी गई है अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 8, ये सेकंड इक्वेशन है. अब सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे 1 और 2 को. तो एडिंग 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन प्लस अंडर रूट एम माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू 16 प्लस 8. तो यहाँ पे माइनस का अंडर रूट एन है, यहाँ पे प्लस का अंडर रूट एन है, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2 अंडर रूट एम इज इक्वल टू 24. क्लियर है यहाँ तक. हाँ जी, अब यहाँ पे अंडर रूट एम किसके इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल. ओके, इससे 2 से 24 कैंसिल होके आपके पास 12 आ जाएगा. अब आपको एम फाइंड करना है, तो एम क्या कर लेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम का एम बन जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144. तो एम आपके पास इतना आ गया. अब क्या करेंगे आप सेकंड पार्ट में,
हाँ जी सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, हाँ जी सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम वन, तो क्या है, हाँ जी अनरूट एम प्लस अनरूट एन माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला साइन जो है प्लस में हो जाएगा, हाँ जी एम अनरूट एम प्लस अनरूट एन तो इज इक्वल टू, हाँ जी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 माइनस 8, तो अनरूट एम से अनरूट एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 अनरूट एन इज इक्वल टू, हाँ जी 8, अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू अनरूट एन इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 से 4, 8 कैंसिल होके 4 आ जाएगा, और अब क्या करेंगे एन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हाँ जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, तो ये आपके पास कौन सी आ गई, थर्ड इक्वेशन, और ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है फ्रॉम 3 एंड 4 आप लिख सकते हो, फ्रॉम 3 एंड 4 आप लिख सकते हो एम अपॉन एन इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 16, तो 16 नाइन जा, हाँ जी 16 नाइन जा कितना हो गया आपके पास 144, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आपका सही रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, बी इज इक्वल आपके पास एम अपॉन एन इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट विल बी 80% ऑफ ए नंबर हुज 200% इज 90। ओके तो आपने कोई नंबर लेट कर लिया, तो लेट नंबर इज इक्वल टू, लेट नंबर इक्वल टू एक्स, तो एक्स नंबर ले लिया, अब क्या बोला गया है इसका 200%, इस नंबर का 200% हमारे पास दिया गया है, तो 200% ऑफ x इज इक्वल टू 90। ओके अगर मैं यहां से इसका 1% निकाल लूं तो 1% इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1% ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 200। ओके हमें कितना परसेंट बोला गया है, देखो बोला गया है व्हाट विल बी द 80% ऑफ दैट नंबर, अब हमें 80% निकालना है तो हम क्या करेंगे 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 80, तो इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 80% ऑफ x किसके इक्वल आ गया 36 के इक्वल आ गया, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थर्ड साइड। ओके आपसे ट्रायंगल दी गई है, उसकी दो साइड्स दी गई हैं एंड आपको थर्ड साइड निकालनी है अगर उसका पैरामीटर भी आपके पास अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज वो कौन सा होगा यहाँ पे, हाँ जी आपको पता है कि जो पैरामीटर रहेगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, क्लियर। तो यहां से आप देखिए सबसे पहले तो पैरामीटर क्या रहेगा, पैरामीटर आपके पास दिया गया है, तो पैरामीटर आपके पास है 36 एंड सम ऑफ ऑल इट्स साइड, सम क्या है अगर मैं एक फर्स्ट एक ए प्लस बी प्लस सी तीन साइड ले लूं और ए और बी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 12 प्लस 14, आपको थर्ड साइड निकालनी है तो 36 यहां से आपके पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू, हाँ जी थर्ड साइड आप निकाल सकते हो सी इज इक्वल टू 36 माइनस 26, तो सी इज इक्वल टू आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो आपके पास थर्ड साइड जो आएगी वो आएगी 10 सेंटीमीटर, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम फील्ड आर 12 मीटर एंड 20 मीटर, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 8 मीटर देन द एरिया ऑफ इफ द फील्ड इज देन द एरिया ऑफ द फील्ड इज। ओके तो आपको फाइंड करना है एरिया उस फील्ड का, तो ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं 128, 132, 130 एंड 135, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेपिज्म का एरिया रहता है वो किसके इक्वल रहता है,
हाँ जी, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, फॉर्मूला वो कौन सा यूज हुआ। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो रहता है वो इज इक्वल टू रहता है किसके, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स, बिटवीन द टू साइड्स। ओके, तो हाँ जी यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। अब एरिया इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर सकते हैं एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स आपके पास दो साइड्स दी गई हैं 12 प्लस 20। ओके, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया गया है, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, वो कितना दिया गया है आपके पास 8। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, हाँ जी 128 मीटर स्क्वेयर। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ए राइट रहेगा, 128 मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है एक्स प्लस सिक्स इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x² + 4x + p, देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है एफ एक्स और बोला गया है एक्स प्लस सिक्स जो है वो फैक्टर है किसका, इस फंक्शन का। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इफ एक्स माइनस ए जनरल फॉर्म में इज ए फैक्टर ऑफ एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन देन पी ए इज इक्वल टू जीरो, तब क्या होगा, पी ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। मतलब आप यहां से निकाल सकते हो कि एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स आप वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब इसको इस फंक्शन में पुट कर लेंगे, तो यहाँ से आपके पास अगर पी वाले फॉर्म में ये फंक्शन निकालना है तो पी सिक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, माइनस सिक्स रखेंगे एक्स की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस सिक्स की पावर 3 प्लस 3x² - 6² (+4 - 6+p), और ये किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के बराबर। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा -216 + 108 - 24 + p इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से आपके पास अगर p फाइंड करना है तो p इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 240 - 108, तो ये आपके पास रहेगा 132। तो p इज इक्वल टू 132 आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही रहेगा, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हेन 4x³ - 3x² + 2x - 1 इज डिवाइडेड बाई x+2, देन द रिमाइंडर इज। आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है, फंक्शन आपके पास दिया गया है, तो इसमें जो फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस टू को हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा -2। अब इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करेंगे तो कैसे वैल्यू यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगी, तो 4 × -2² - 3 - 3 - 2² - 2 + 2, साथ में -2 - 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा -49। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, -49। ओके, नेक्स्ट बोला गया है द एवरेज रन स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर ऑफ द क्रिकेट टीम इज 60। इफ द रन स्कोर्ड बाई कैप्टन आर निगलेक्टेड द एवरेज रन स्कोर्ड बाई द रिमेनिंग प्लेयर्स इंक्रीज बाई 5। हाउ मेनी रन वर स्कोर्ड बाई ए बाई द कैप्टन। एक टीम है जिसमें 11 प्लेयर हैं, उनकी एवरेज दी गई है वो कितनी है रन्स की, 60 है। अगर बोला गया कैप्टन के रन जो बनाए गए हैं उनको निगलेक्ट कर दिया है, तो एवरेज जो है इंक्रीज हो जाती है 5 से। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज जो दी गई है 11 प्लेयर की वो कितनी है। हाँ जी, तो एवरेज ऑफ 11 प्लेयर, एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स रन्स वो कितनी है, 60। अगर बोला है विदाउट कैप्टन अगर देखें, तो विदाउट कैप्टन क्या हो जाएगी एवरेज,
विदाउट कैप्टन एवरेज इज इक्वल टू, हाँ जी इंक्रीज हो जाएगी 5 रन, तो 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 65। तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करने हैं टोटल रन जो टीम ने स्कोर किए विद कैप्टन और विदाउट कैप्टन, जो आपको यहाँ पे रन निकालने हैं। तो देखिए टोटल रन्स ऑफ द टीम विद कैप्टन, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 11, 11 प्लेयर थे इंटू 60, तो कितना आ जाएगा 660। अगर टोटल रन देखें विदाउट कैप्टन तो कितने बन जाएंगे, टोटल रन्स ऑफ द टीम विदाउट कैप्टन, विदाउट कैप्टन, तो विदाउट कैप्टन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब प्लेयर क्या हो गया, एक कम हो गया क्योंकि कैप्टन ने, अब कैप्टन को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, तो प्लेयर एक कम हो गया, तो कितना हो गया 10, और इंक्रीज कितनी हो गई, वो एवरेज कितनी इंक्रीज हो गई है 65, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे 650। तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कितने जो रन है स्कोर किए थे कैप्टन ने, ठीक है, तो रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन इज इक्वल टू 660 माइनस 650, तो किसके इक्वल आ जाएगा 10। तो 10 रन जो है कैप्टन ने बनाए होंगे, तो आपके पास ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो बोला गया है हाउ मैनी डेज विल 36 मैन टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच 24 मैन टेकन 48 डेज टू फिनिश, बोला गया है कितने दिन जो है 36 मैन जो है लेंगे किसी काम को करने के लिए, उसी काम को 24 मैन जो है वो 48 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आपने फॉर्मूला याद रखना है M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ओके M आ गया मैंस, ठीक है, और ये D1 आ गया डेज, और ये आपका सेकंड कंडीशन जो दी गई है M2D2। तो अब यहाँ पे आपके पास दिया गया है M1 आपके पास दिया गया है 24, M2 दिया गया है आपके पास 48, एंड आपके पास M2 भी दिया गया है 36, D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे 24 इंटू 48 इज इक्वल टू 36 इंटू D2, तो यहाँ से D2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 24 इंटू 48 डिवाइड बाई 36, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के आएंगे यहाँ पे डेज 32 डेज, तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा 32 डेज। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 300 स्क्वायर मीटर देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ इन मीटर, ओके रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी लेंथ जो है क्या दी गई है, हाँ जी जिसकी चौड़ाई जो है 3/4 है उसकी लेंथ के, और एरिया ऑफ दिया गया है स्क्वायर मीटर में, और बोला डिफरेंस क्या रहेगा लेंथ और ब्रेथ में, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बोला क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी जो ब्रेथ रहेगी जो बी एम ब्रेथ रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी आपके पास 3/4 ऑफ लेंथ, क्लियर। अब एरिया आपको पता है रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते, और एरिया भी आपके पास दिया गया है, एरिया कितना दिया गया है 300, तो लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3/4 इंटू लेंथ, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, हाँ जी 3 से इस 3 से यहाँ पे कट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 100, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ये 4 इस साइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा एल स्क्वेयर, तो एल इज इक्वल टू यहाँ पे पास आ जाएगा 20, तो एल आपके पास 20 आ गया है। अब आपको ब्रेथ निकालनी है तो ब्रेथ इज इक्वल टू, हाँ जी इसी वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर लेंगे लेंथ की, तो क्या आ जाएगा 3/4 इंटू 20 तो 5, तो क्या आ जाएगी ब्रेथ यहाँ पे आपके पास 15, ओके। अब आपको क्या बोला है डिफरेंस बोला है फाइंड करने के लिए, तो डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा लेंथ माइनस ब्रेथ, तो कितना आ गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, ओके। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा
5। तो ये थे सीरीज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।